السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تعالى في القران الكريم والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى محترم ديني واصحابي هيه نوجوان ساتيو बुजुर्गو जिंदगी में जब भी कोई परेशानी मुसीबत और किसी भी तरह की कोई मुश्किल घड़ी आए इंसान घबरा कर और बहुत सारे वसवसे और खयालात माजी को लेकर और मुस्तकबिल को लेकर बहुत सारी चीज़ें उसके ज़हन में गर्दिश करने लगती हैं क्योंकि इंसान है और बहुत सारी चीज़ें उसके दिलो दिमाग को जो है झिझुड़ने लगती हैं मुस्कबिल की फ़िक्र उसको सताने लगती है आगे क्या होगा बहुत सारे अंदेशे से उसके दिल और उसके दिमाग को जो है भर जाते हैं कि आगे क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा ये सारे सवाल उसके जहन में आते हैं ऐसे वक्त में मेरे भाइयों दो चीज़ें जो हमें खुद हमारे नबी अलैहि वसल्लम ने सिखाया है और अल्लाह इज़्ज़त ने ख़ुद अपने नबी को बताया ऐसे वक्त में कि क्या करना चाहिए जब किसी मुसीबत को सामने देख कर इंसान के दिल दिमाग के अंदर फ्यूचर को लेकर मुस्बिल को लेकर जब ख्याल वसूस से पैदा हों तो ऐसी सूरत में इंसान को क्या करे क्योंकि ऐसे वक्त में शैतान ये चाहता है इंसान को मायूस करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से इंसान की उम्मीद को उसके ताल्लुक़ को कमज़ोर कर दे लिहाजा ऐसे वक्त में इंसान के लिए ज़रूरी है कि वह अपने अकीदे की हिफाजत करे वह अपने ईमान की हिफाज़त करे अल्लाह से अपने ताल्लुक को और मजबूत करें यह कैसे होगा इसके लिए दो बातें मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा सबसे पहली चीज़ तो ऐसे वक्त में इंसान जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा के साथ साथ एतमाद के साथ साथ आदमी अपने पिछली ज़िंदगी पर गौर करे पिछले जो उसके तजर्बात रहे हैं उसको देखे और उससे अपने दिल को जो है इत्मीनान पहुँचाए कि माजी की ज़िंदगी में आप देखें इंसान ख़ुद अपनी ज़िंदगी में झाँके दूसरों की ज़िंदगी में देखे कि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि इंसान के जहन में हो बहु यही ख्याल जो आज पैदा हो रहे उस वक्त ही पैदा हो रहे थे कि अब क्या होगा अब क्या होगा कई दफ़ा बीमार हुआ तो लगा कि बस अब बिस्तर से उठ नहीं पाएगा कई दफ़ा धंधा बंद हुआ तो लगा कि अब आगे जो है धंधा करने के लायक ही नहीं रहेगा अब सक्सेस हो ही नहीं पाएगा ये खुद उसके अपनी ज़ात में उसको जो है ये चीज़ मिलेगी और दूसरों की ज़िंदगी में अगर वो देखे तो चीज़ उसको मिल जाएगी लेकिन अल्लाह ने क्या किया बीमारी से शिफा दी उठा खड़ा हुआ फिर दोबारा नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ किया धंधा बंद हुआ फिर दोबारा धंधा चलना शुरू हो गया कारोबार अच्छा चलने लगा सक्सेस हो गया तो ये इंसान अगर अपनी माजी की ज़िंदगी में शुक्र गुजारी के जज्बे के साथ देखे और अल्लाह इज़्ज़त की पिछली मदद को याद करे कि अल्लाह ने कैसे वहाँ मदद किया था आज अल्लाह ताला इन यहाँ मेरी मदद करेगा वहाँ जैसे अल्लाह की नुसरत मुझको नसीब हुई थी यहाँ भी अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा अल्लाह की नुसरत अल्लाह की मदद मुझको मिलेगी ये यकीन ये एतमाद इंसान को जो है क्या है अल्लाह की जात से और जोड़ देता है बजाय इसके दूर हो और जोड़ देता है और करीब कर देता है ऐसे वक्त में तो माजी में अल्लाह की मदद को बंदा याद करे कि अल्लाह ने जैसे पिछली ज़िंदगी मदद की थी मेरी और जैसे बहुत सारे हमारे भाई ऐसे थे कि हमको भी ऐसा लग रहा था कि बस अब ये उठ नहीं पाएंगे अब ये आगे बढ़ नहीं पाएंगे लेकिन अल्लाह ने उनकी मदद की ऐसे अल्लाह मदद करेगा जो मदद करेगा अल्लाह तो ये माज़ी की ज़िंदगी में अल्लाह की मदद को बंदा याद करे ये पहली चीज़ दूसरी चीज़ क्या है मुस्तबिल में अल्लाह इज़्ज़त के वादे पर यकीन रखें कि एक मुसलमान और मोमिन बंदे के साथ अल्लाह का ये वादा है कि अगर वो आजमाइश और मुसीबत के वक्त सब्र सब्र करे हिम्मत ना हारे तो फिर में मुस्तकिल्ला रबुल्ज़त ने उसके लिए बहुत सारे वादे रखे हैं बहुत सारे इनाम रखे हैं बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने नेता करने का वादा किया है में अल्लाह के वादे पर यह यकीन इंसान को देखिए मुसीबत और मुश्किल तो उसकी एक हकीक़त है हालात की जो संगीनी होती है वो तो इंसान पर उसका असर किसी न किसी सूरत में होता ही है लेकिन जब आदमी ये जो मैं बात बता रहा हूँ कि माज़ी में अल्लाह के नुसरत को याद करेगा में अल्लाह के वादे पर यकीन रखेगा तो कम अज़ कम वो मुसीबत उसके सामने हल्की हो जाएगी मुसीबत से मुश्किल घड़ी से मुश्किल से दुश्वारी से सामना करने की उसके अंदर हिम्मत पैदा हो जाएगी तो ये दो बातें जो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम करीमलात वसलाम को सिखाई सूरह जहा पढ़ी हम लोग रोज़ाना पढ़ते हैं लेकिन मुमकिन है कि हम गौर नहीं करते हैं अल्लाह ने क्या फ़रमाया वहा वा, वा सजा नबी करीम करीमलात सलाम जब गमजदा हुए और इस हद हाँ तक आप गमज़दा हुए कि कुरान कुरने में अल्लाह ताला कहता है वलक़द वालमन् का यदी कुरुका बिमा यकूलून ऐ मेरे प्यारे हबीब हम जानते हैं कि लोगों की बातों से लोगों के ताने से दावत के रास्ते में आने वाली दुशारियों से आपके दिल तंग हो जाते हैं है तो आप इंसान हैं आप इंसान आपके दिल तंग हो जाते हैं उनकी बातों से उनके ताने से आपके अपने लोग जब मुखालिफत करते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ़ होती है आपका दिल तंग हो जाता है वलखना का यवि का मालून पूरे ज़ुहा ने किस तरीके से अपने नबी को तसली कहा वुहा वल्ल इधा सजा कसम है दिन की जुहा की दिन की जब दिन रोशन हो जाए वल्ल सजा और रात की जब रात छा जाए अल्लाह ने दिन और रात की मिसाल क्यों दी इस हवाले सेम कराम कहते हैं कि यानी जिस तरीके से ज़िंदगी में दिन और रात है दिन और रात ज़िंदगी का एक निज़ाम है ना कायनात का एक निज़ाम इंसान की ज़िंदगी के अंदर भी यह निज़ाम है इंसान की ज़िंदगी में कभी तारीकी होगी कभी उजाला होगा कभी अच्छे दिन होंगे कभी बुरे दिन होंगे वक़्त व लेले सजा मेरे भाई ये जो तजाद है ना ये जो अपोज़िट चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी में अच्छाई बुराई आराम मुश्किल ये इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है इससे पहले भी कई दफ़ा मिसाल दिया मैंने कि हम लोग कई दफ़ा सोचते बस आराम करने को मिल जाता तो बड़ा मज़ा आता आराम करने को मिल जाता बड़ा मज़ा आता पूछिए लॉकडाउन में दो साल आराम नहीं किया मज़ा आया लॉकडाउन में सारे के सारे लोग घर पर बैठे थे तो बताइए मज़ा आया था शिकायतें लोग कर रहे थे कि क्या करें घर बैठे बैठे आराम करते करते आराम करते करते थक गया आराम करके इंसान थक गया तो ये जो तज़ाद है ना जिंदगी के अंदर आराम दुश्वारी आसानी मुश्किल ये तज़ाद मेरे भाइयों ये इंसान की ज़िंदगी का एक निज़ाम हिस्सा है जैसे गाड़ी के दो पहिए हैं इसका होना भी ज़रूरी है गम ना हो तो ख़ुशी का तस्वर कैसे हो दुश्वारी ना हो तो आराम का एहसास कैसे हो तो कहा वक़्दा हाँ इदा सजा माँ वदा का रब का उमा कला अरे हमारे हबीब मेरे पैरेंट नबी आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है आप ये मत समझिए दुश्वारी इस मुश्किल घड़ी में कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया है कहने दीजिए इनको जो कहते हैं माँ वदा का रब का उमा कला आपके रब ने ना तो आपको छोड़ा है और ना ही वो आपसे बेजार हुआ है इनको जो कहना कहने दिए आप इनकी बातों पर तोज्जो ना दी आप अपने काम पर तोज्जो दीजिए माँ वदा का रब का उमा कला वरल आखिरत खैरल्ला का मेरा बल्कि सच्चाई और हकीकत यह है कि आपका अंजाम और आपका आने वाला दिन आपके आज इससे बेहतर होगा आपको आगे जो मिलने वाला है वो आपके आज से बेहतर होगा तो आपका मुस्तबिल रोशन है, आप फिकर ना कीजिए वरल आखिरत खैरल्ला का मेरा आखिरत में और आने वाले टाइम में ला रबुल्ज़त ने आपको जो देना है वाला सौ का रब का फदरदा करीब आप रब आपको इतना कुछ और ऐसी ऐसी चीजें दे देगा कि आप खुश हो जाएंगे तो आज की मुश्किल घड़ी को देकर घबराइए नहीं वाला रब का रब कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कि अपने नबी को मुस्तबिल के वादे पर यकीन के लिए कहा कि यकीन करो मुस्तकबल पे क्यों यकीन करो क्योंकि आपके रब ने क्या माजी में आपकी मदद नहीं कि आलम यजीद का आगे देखिए अल्लाह ताला क्या आलम यजीद का यतीम फ़ाहवा अरे प्यारे हबीब कैसे आप यतीम थे आपके रब ने आपको यतीम पाया था फिर आपको ठिकाना दिया वबा ज्यादा का गौ आप हिदायत की तलाश में थे रहबरी की तलाश में थे अल्लाह ने आपको क्या है हिदायत भी दी और हादी भी बना दिया रहनुमा भी बना दिया वबा ज्यादा का आयिन फ़ागना आप मोहताज थे आ तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे थे आपके रब ने आपको गनी कर दिया तो जैसे माजी में आपके रब ने आपकी मदद की तो मुस्तकबिल में आपका रब आपका मदद करने वाला है जैसे माजी में आपको आपके रब ने भटकता हुआ पाया हिदायत दिया फ़कीर की ज़िंदगी तंग तंगदस्ती की ज़िंदगी पाया तो गनी कर दिया ऐसे ही आपको क्या है आपका रब मुस्तबिल में भी नहीं छोड़ने वाला है मुस्तबिल में भी आपका रब फ्यूचर में आपकी मदद करेगा तो देखिए किस तरीके से अल्लाह रबुल्ज़त ने अपने हबीब अपने नबी को क्या किया माजी की ज़िंदगी को याद करवाया कि माजी का तजर्बा क्या है और मुस्तबिल के वादे पर कहा कि यकीन रखो तो मेरे भाई मुसीबत के वक्त गम के वक्त ये दो चीज़ें इंसान को अपने जहन में रखनी चाहिए इससे क्या है इंसान के अकीदे की भी हिफाजत होगी इंसान के अंदर मुसीबत और उस मुश्किल घड़ी से टकराने उसका सामना करने के लिए इंसान के अंदर हिम्मत भी पैदा होगी अल्लाह ताला मुझको और आपको जो है इस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ आमीन वसलम वरहमल वर्क